बिहार सरकार ने छात्राओं को हायर स्टडी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाओं को चला रहे हैं। इनमें बीए पास करने वाली छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहन योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए आर्थिक मदद यानी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य में ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त कर चुकी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसकी शुरुआत मंगलवार से हो गई है। राज्य सरकार ने 20,000 छात्राओं के प्रोत्साहन राशि को जारी कर दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 50 करोड़ का आवंटन किया है। पिछले लंबे समय से ये राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मिलेगी। कन्या उत्थान योजना के तहत सभी स्नातक छात्राओं को 25,000 रुपए मिलते हैं। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने महालेखाकार को भी ये जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन यानी कि स्नातक योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान इस राशि में बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर दी जानी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 2,07,132 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलनी है। 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25,000 और वर्ष 2021-22 में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना में 2021-22 में राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई थी। आपको बता दें कि महाविद्यालयों में उत्तीर्ण छात्राओं के प्रमाण पत्रों को सत्यापन लटकाने के कारण इस योजना में कार्यान्वयन में परेशानी हो रही। नाराज शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को 31 दिसंबर तक लंबित आवेदनों को सत्यापन करने को कहा है। ऐसा ना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लोक आवाज। धन्यवाद।